हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको गूगल कैलेंडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। गूगल कैलेंडर एक ऐसा टूल है कि जिसके मदद से आप आपके जो भी गोल्स है, आपके रिमाइंडर्स है, आपके टास्क है, आपके जो भी इवेंट्स है, उसको पूरा मोबाइल में आप स्टोर करके रख सकते हो। दोस्तों, ये इतना यूज़फुल एप्लीकेशन है कि इसकी मदद से आपका जो भी पूरा डे का शेड्यूल है या अपकमिंग शेड्यूल है, उसको पूरा ट्रैक कर सकते हो, और जो भी आपने कंप्लीट किया है उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इवेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इवेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में मेरा आज कौन सा मीटिंग है, तो मैं यहाँ पर क्लाइंट मीटिंग एंटर कर दिया इवेंट नेम शुरू में। उसके बाद यहाँ पर मुझे सेटिंग करना है टाइम, तो यहाँ पर मुझे सेट किया, मैंने टाइम सेट कर दिया, और कितने बजे तक है मेरा मीटिंग, 11 से मुझे 11:30 तक वहाँ पर रुकना है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 11 से 11:30 तक मेरा मीटिंग है। यहाँ पर नोटिफिकेशन, तो मुझे 11 बजे के पहले 30 मिनट्स पहले मुझे एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका मीटिंग है। ओके, उसके बाद में नीचे दिया है डिफ़ॉल्ट कलर, तो आप यहाँ से कलर आपको कोई चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ऐड डिस्क्रिप्शन दिया है, तो ऐड डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालना है कि आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में मेरा मीटिंग है, तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइनिंग डाल दिया, और आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जो है रिमाइंडर, तो मैंने रिमाइंडर अभी सेलेक्ट किया, रिमाइंडर में मुझे जिम जाना है, तो मैंने यहाँ पर जिम का रिमाइंडर डाल दिया। तो इसी तरह से आपको जो भी रिमाइंडर चाहिए आप डाल सकते हो। यहाँ पर ऑल डे है, तो मुझे ऑल डे नहीं चाहिए, एक ही दिन मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो मैंने सिर्फ ये वन डे सेलेक्ट किया है। यहाँ पर नोट मेरा डाल दिया है मैंने कि ये कौन से टाइम में मुझे वो नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। उसके बाद में गोल्स, तो यहाँ पर गोल्स पे क्लिक करने के बाद में आपके जो भी गोल्स होंगे, यानी वर्कआउट का गोल है, रनिंग का, वॉल का, योगा का, या कोई कस्टमाइज गोल्स होंगे, तो आप इसको यहाँ से गोल सेट कर सकते हो। तो वो आपको उसी दिन आपको रिमाइंड देगा कि आपको ये गोल कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप गोल्स, उसके बाद में इवेंट्स, इसके बाद में रिमाइंडर्स गूगल कैलेंडर में स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों, ये कैलेंडर आप डे वाइज भी चेक कर सकते हो, जो यानी कि आपको अगर डे वाइज आज की डेट में कौन से क्या टास्क है, कल की डेट में कौन से टास्क आपने किए, आने वाले डे में कौन से टास्क आप करने वाले हो, तो ये यहाँ से आप उसको पूरा चेकआउट कर सकते हो। मैंने शेड्यूल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर पूरा शेड्यूल मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा क्या क्या शेड्यूल मैंने सेट किया हुआ है। उसके बाद मैं डे का सेलेक्ट किया, तो डे की एक सेम आज की डेट में मेरा कौन सा शेड्यूल से। उसके बाद मैं यहाँ पर 3 डेज़ का सेलेक्ट करता हूँ, तो 3 डेज़ में मुझे यहाँ पर पता लगता है कि आने वाले 3 डेज़ में मुझे क्या क्या वर्क करना है। उसके बाद मैं वीक अगर सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा वीक का इन्फॉर्मेशन मिलता है, मंथ सेलेक्ट करता हूँ तो मंथ का इन्फॉर्मेशन मिलता है, अगर पर्टिकुलर कुछ सर्च करना है तो मैं सर्च भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आप गूगल कैलेंडर का बेनिफिट ले सकते हो। ये पूरी तरह से फ्री है और इसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। इसे आप डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हो, मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। आपने जो डेस्कटॉप में यूज़ किया वो मोबाइल में अपडेट हो जाएगा, जो मोबाइल में अपडेट किया वो डेस्कटॉप पे अपडेट हो जाएगा। ये ऑनलाइन टूल्स है, तो ये बहुत ही बेहतरीन टूल्स है, तो मैं इसकी मदद से मेरा जो भी रिकॉर्ड है, यानी कि मेरा टास्क का जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं इसको पूरा गूगल कैलेंडर में स्टोर रख कर इसको मेंटेन करता हूँ, और उसका मैं चेकआउट करता हूँ कि मेरे आज की डेट में कौन से टास्क कम्प्लीट किए, आने वाले डेट में मुझे कौन से टास्क कम्प्लीट करना है। तो इसी तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है गूगल कैलेंडर, आज ही इसे यूज़ करना सीखे। आप गूगल प्ले से उसे डाउनलोड कर सकते हो, गूगल कैलेंडर। अगर आपने गूगल प्ले में सर्च किया तो वहाँ से आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपके अलग अलग टास्क है, तो आप अलग अलग टास्क को अलग अलग कलर कलर भी दे सकते हो। देखो, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 14 को, जैसे मैंने अलग अलग कलर से उसको दिए अलग अलग टास्क को, तो इसी तरह से आप अलग अलग टास्क को अलग अलग कलर भी दे सकते हो। तो इसकी मदद से आपको याद रखेगा कि कौन सा कलर का टास्क का और कौन सा टाइप का टास्क है, तो ये आप पर्टिकुलर टास्क आप कर सकते हो। थैंक यू।